I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. इतना प्यार मत किया करो नहीं तो मेरा पेमेंट बनाने को दिल करता है फिर यार म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने दिग्गज लोग आए हुए हैं आप सबको मेरा नमस्कार तो तुझे पता है दिग्गज लोग आए तो तेरी ढोलकी क्यों बज रही है अर्चना जी देख लो आदमी बाद में आकर खड़ा होता ये उसकी ढोलकी पहले बजानी शुरू कर देता है बादशाह भाजी जो ढोलक वाला होता है ना पहले वो भी दो तीन मिनट चेक करता है टक टक करके देखता है फिर उसकी ढोलकी बजाता है तो मैं पिछले पांच साल से चेक ही कर रहा हूँ तेरी ढोलकी तो सुर में है ना ढोलकी बज रही है ना इसलिए शो से चेक पे चेक आ रहे हैं बॉस वाह कपूर शर्मा इनकी तरफ देखिए हाँ। ये कह रहे हैं दिलादूगर चंडीगढ़ में हाँ। आपने आज तक मेरे को मोबाइल भी गिफ्ट किया है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहे हैं तो मेरी आप मुझे बोलो मैं सूट सलवार पहन के आ जाता हूँ ना आपको कोई फर्क पड़ना ना मुझे कोई फर्क पड़ना है देख लो छोटे से गिफ्ट के लिए गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है फोन के लिए अगर कोई इसको लैपटॉप दे दे ये तो स्वागत बना रहा है यार बादशाह भाजी मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा भी ना बचपन से ना ये एक शौक था रैप करने का तो फिर बस वही शौक मेरे को मुंबई ले आया देखो ऊपर वाले की इतनी मेहर आते ही इसको समोसे रैप करने का काम मिला समोसे रैप नहीं सर मेरा सच में एक बचपन से सपना था रैपर बनने का लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया सर तो कैसे बनेगा तेरे को नॉलेज तो है नहीं म्यूजिक की कोई गिटार पे कच्चे सिखाने वाले आदमी एबीसीडी आती तेरे को म्यूजिक की फिर वही फालतू बात है गिटार पे कच्चे सिखाने वाले बंदे वो गिटार पे कच्चे कौन सुखाता मुझे एक बार बताइए ठीक है जुराबे सुखा लिए रुमाल सुखा लिया कच्चे कौन सुखाता है और मेरी एबीसीडी की टेंशन ना लो कभी तुमने दिनेश से पूछा कि उसको एबीसीडी आती है उसको नहीं आती तो वो साइड पे बैठ के अपना टैलेंट दिखा रहा है तेरी तरह बीच में तो नहीं जग लेके आ गया अल्लाह अपना काम कर रहा है हे प्रिय दिनेश मुस्कुराओ मत इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अपमान छिपा हुआ है अपनी गैरत जगाओ और छोड़ा शो को अगर वो छोड़ के चला गया क्या गिटार कौन बजाएगा तू बजाएगा मैं गिटार बजाऊंगा पर वैसे भी मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं पूरे एपिसोड में नजर आया करूं एक मिनट कौन चाहते हैं और मेरे फैंस चाहते हैं मेरी बात सुनो एक तो अपने डैडी को फैन बोलना बंद करो यार ये खाने को आटा नहीं इसके पास रॉकस्टार बनेगा मेरी बात सुनो ये इधर सारे मेरे डैडी बैठे हुए हैं सही सही बताना कितने पैसे ऑफर किए इसने आपको ये देगा कोई नहीं मैं बता रहा हूँ देखो इसके पजामे में जेब ही नहीं है देगा कहाँ से आपको पैसे दो दो जेबें लगवाई हैं पजामे में चाहे कुछ भी नहीं रखा लेकिन जेब है मेरे पास कपूर शर्मा कैसी बातें कर रहे हो यार डोंट टॉक टू मी कम से कम सूट बूट में आओ पजामे टाइप आई डोंट वांट टू टॉक टू यू खाने को आटा नहीं रॉकस्टार बनेगा ये अच्छा जिनकी आटे की चक्की होती है वो रॉकस्टार होते हैं नहीं वो क्या ऐसे ऐसे करके आटा पीसते हैं चक्की वाले बाबू मेरा आटा पीसते चक्की वाले बाबू मेरा आटा पीसते आगे से बाबू भी कहता है आजा बीबी आजा तेरा आटा पिसा दूं बादशाह भाजी मैंने आपको एक बात बतानी है पिछले दिनों ना मेरी टी सीरीज के मालिक नहीं जो भूषण कुमार जी उन्होंने मेरे को बुलाया था मैंने उनको अपना रैप सुनाया दो लाइनें मैंने उनको सुनाई उन्होंने कहा उन्होंने मेरे को गले लगा लिया भाजी एक बात बताओ ऐसे कॉलर ऐसे कौन गले लगाता है ऐसे मैंने पहली बार भूषण कुमार को गुस्से में देखा करता टक्कर मारी उसके बाद मेरी बात सुन दो बंदे आए उन्होंने इसको पैरों से पकड़ा उल्टा और हाथ खुल गए इसका टी उल्टा किया हुआ था बिल्डिंग के बाहर
तो कोई बात नहीं, टी बनाने का ठेका सिर्फ चंदू ने थोड़ी लिया हुआ है, लोगों को भी तो मिलना चाहिए मौका. हेलो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. असीस जी. हाँ जी. आपको पता है मैं आजकल इंटरनेशनल लेवल पर गाने के लिए ना आजकल इंटरनेशनल सिंगर्स को सुन रहा हूँ. कौन, नाम बता. जस्टिन बब्बर, राज बब्बर के बेटे. जस्टिन बीबर है पहली बात तो. यही लोग होते हैं जब लेडी गागा जैसे आए ना स्टार को बॉम्बे में, पहली लाइन में जाल चले जाते हैं. अल्ताफ राजा का कुछ हो जाए. आई जस्ट वॉन्ट टू से आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. अच्छा अपना भी तो बताओ ना, इंग्लिश होटल में जाकर ना जब फिंगर बाउल होता है उसको कहते हैं यार इसमें शुगर नहीं डाली आपने. मैं गया ही नहीं, ये झूठ बोल रहा. सर आप मेरे को अपने ग्रुप में रख लो, मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है. अच्छा, कीबोर्ड्स में कितनी कीज होती है? की की क्या बात है. नहीं नहीं, इसको कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, बाकी सब की नॉलेज है. आपको पता है पानी में साबुन घोल के ना उसमें बांसुरी डुबो के 7 बुलबुले एक साथ फुला लेता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज. एक बार तो गलती से अंदर खींच गया, फिर ऐसी जगह से बुलबुल निकले मैं नहीं बता सकता आपको. सर आप प्लीज मेरे बारे में थोड़ा सोचिए और मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ बढ़िया सी. मैंने तेरे बारे में सोची एक बात, अभी भी सोचा मैंने. गेट आउट. चलो पाजी मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ. आज एक और खुशखबरी है. चेतस की आज एनिवर्सरी है. चेतस बहुत बहुत मुबारक हो आपको. आपकी वाइफ भी मैंने सुना आई है. कहाँ है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. थैंक यू मेरी भी आज. वाओ. नॉर्मली एनिवर्सरी पे आप अपनी वाइफ के लिए क्या सरप्राइज रखते हैं? मैं मतलब ये पर्सनल बात है पर फिर भी मैं ऐसे छोटा मोटा सरप्राइज उसके दोस्तों को कहीं सरप्राइज उसकी पार्टी कर दी ऐसा कुछ छोटा मोटा करते रहता हूँ. अच्छा तो सब सही. What kind of surprises? I want to know. आज अभी उसकी बर्थडे पे मैंने क्रूज पार्टी की थी तो उसके सब दोस्त. ये छोटा मोटा होता है? तो बड़ा क्या होता है आपकी नजर में? एरोप्लेन के ऊपर चढ़ के पार्टी देते? क्रूज छोटा मोटा है? वाह. कहीं हमने बादशाह को कहते हुए सुना कि इनको 3 साल की उम्र में प्यार हो गया था. 3 साल की उम्र में आदमी डायपर भी दूसरे से बदलवाता है. आदमी को समझ में नहीं आता. आप आपको प्यार समझ में आ गया 3 साल की उम्र में? मतलब मुझे बताते हैं कि हरकतें ऐसी थी कि प्यार ही था. घर वाले बताते हैं ऐसे कि आपको? हाँ, याद नहीं है प्रॉपर. हाँ मतलब मैं जो थी वो उसको मैं पकड़ के बैठ जाता था उसको कि तूने घर नहीं जाना, यहीं रुक जा. आओ, साथ में खाते हैं, खेल ऐसी मतलब. अच्छा. हाँ. शुरू से ही आपके अंदर प्यार रहा. माशाल्लाह जितने लंबे चौड़े 3 साल में भी आप 18 साल के बराबर ही होंगे मुझे लगता है. 3 साल का बच्चा इतना बड़ा. पर ये आपने एक गाना बनाया लड़की पागल है पागल है पागल है. हाँ जी भाई. आपकी वाइफ ने नहीं पूछा किसकी बात कर रहे हो? चेतन मैंने ना, अच्छा आप सबने पहले नोटिस किया होगा जैसे हम क्लब वगैरह में कभी जाएं तो उसमें जो डीजे होते हैं वो बीच बीच में गाना चल रहा है ना, कोई भी गाना चल रहा है तो बीच में माइक लेके खुद बोलते हैं इसमें डीजे चेतस गाओ. तो ये आप ऑर्गेनाइजर को बता रहे होते कि इस नाम से चेक बनाना है? मैं इतनी माइकिंग नहीं करता हूँ, जब सेट होता हूँ तो एक दो कुछ बोल देता हूँ माइक पे. अच्छा. बिकॉज वो लोग नाच रहे अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है. चेतस वैसे डीजे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा डीजे है जी, और मतलब पार्टी की जान है. मतलब वैसे इसको देख के लगता है कि बैंक में नौकरी करता हो. बैंक भी वो जो बंद ही होने वाला है. इतना स्वीट है. स्वीट है. बहुत स्वीट है. मैं भी जब चेतन से पहली बार मिला था मुझे भी लगा था कैसे बाल स्पाइक पाइक करके बैठा होगा. 20 अंगूठियां पहन के 10 उंगलियों में और मेरे को जाते आंख में मारा यो दिस इज चेतन. तब मैं गया था ऐसे चेतन बैठा हुआ था. हेलो. मैं तो कहते ये डीजे चेतन. मैं कहा पक्का कर लेंगे आप? चेतस कभी ऐसा हुआ जैसे आपने कोई गाना रिमिक्स किया हो और म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद ना आया हो और उसने बोला हो कि नहीं यार पसंद नहीं आया इसे वापस अलग अलग कर दो? अलग अलग.
सॉरी यार, मैं भी मैं थोड़ा मेरे सवाल ऐसे ही होते, क्या करें हैं। एक्चुअली वैसे जो एक बार मिक्स हो गया वो अलग अलग नहीं हो सकता। हो तो सकता है पर नहीं होता सर। पर फिर याद नहीं रहेगा ना कौन सा पीस कहाँ से निकला। यार एक्चुअली हाँ गाना है मिक्स तो ही। हाडी 83 में भी आप आ रहे हैं। वाओ, कपिल पाजी की लाइफ के ऊपर फिल्म बन रही है, कपिल देव साहब की। हमने सुना आपका जो ऑडिशन से नहीं हुआ सिलेक्शन, स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है। नहीं, मैंने बताया ना आपको बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मैंने एक्टिंग का ऑडिशन नहीं दिया, मैंने क्रिकेट का ऑडिशन दिया था बस। तो आपने उनको क्रिकेट खेल के दिखाया? हाँ। अच्छा। भाई ऑडिशन तो बताओ, क्या ऑडिशन था आपका? वो एक एक्शन करना था। मैं मदनलाल जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मदनलाल जी, हाँ। तो कबीर सर डायरेक्ट कर रहे हैं। कबीर सर मुझे मिले, कह रहे कि आप इनका एक्शन कॉपी कर लोगे। मैं कहा सर एक्शन मैं सारे कॉपी कर लूंगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कैरेक्टर कैसा है। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया, जैसे वो बता रहे थे इधर मेरे फोन पे एक्शन चल रहा था ना 83 वर्ल्ड कप का, मैं ऐसे देख रहा था। मैं सर कर दूंगा। चार दिन में मैंने वीडियो भेजी तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया हफ्ता। अच्छा। मैं कहा पसंद नहीं आया होगा शायद। फिर उसके बाद फोन आया कि भाई तूने किया कैसे। अच्छा, परफेक्ट कर दिया। हाँ जी, जोरदार ताली एक बार हमारे सब कलाकारों के लिए। This is so cool. There's Bachcha in the house. DJ Chetas in the house. Tanishq, Bagchi in the house. Lisa in the house. Adi Sandhu, what's this war, bro? Whoa! Whoa! Bro! Too much, yeah? Bro! House in the house! Bro, it's a catch all the way, yeah? मतलब इंटरव्यू चल रहे हैं, ऑडिशंस चल रहे हैं, चल क्या रहे हैं? जब तुझे पता ही नहीं तो आया क्यों फिर यहाँ पे? ब्रो, मैं ऐसे ना आए। हाँ। मेरे को सोनी साहब जो है ना, वो मेरे को वो किए, वो क्या होते हैं यार, जब इंसान बहुत ऐसा बक 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 करते हैं तो इधर क्या खराब होता है? भेजा। हाँ, तो सोनी साहब मेरे को भेजा है। मेरे को इधर भेजा है चेक करने के लिए कि इंटरव्यू वाला लड़का जो रखे वो कर क्या रहे हैं। मैं अभी सोनी साहब को जाके बताएंगे कि इंटरव्यू वाला लड़का उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप इधर अपना खुद का इंडियन आइडल खोल के बैठे हैं। मैं कहा इंडियन आइडल बना रहा हूँ ब्रो? मेरे किस मजाक मत करो, मेरे को सब मालूम है, इतना सारा सिंगर इंडियन आइडल में ही होते हैं। अभी आप एक काम करो, अपना वो नेहा कक्कर, विशाल ददलानी, हिमेश रेशम को इधर बुला लो, ताकि उन लोग का सारा का स्पॉन्सर भी इधर आ जाए। मैं सब समझ रहे हैं। आज आप इधर सिंगर बुलाए हैं, कल आप इधर सोनी साहब को बुलाएंगे, उनको बुला के मेरा ये वाला जो है पूरा लुक ना उनको देंगे, फिर उनको बोलेगे चुटकुला सुनाओ, अभी डांस करके दिखाओ, बोलेंगे गाना गाओ, और फिर आप उनको बोलेंगे कि आप मुंबई नहीं आ सकते। सोनी साहब, ये अपना चैनल खोल रहे हैं आदमी, या तो ये आदमी को रोक लो या इंडियन आइडल को 9:30 रोक लो। कुछ तो रोको, नहीं तो आ जाएगा टोको। But why cool, bro? इधर पहला पंजाबी काम था, इतना पूरा और पंजाबी गैंग लेके आ गया तुम। सारे पंजाबी कहाँ हैं? तनिष्क देखो, वो बंगाल से हैं, चेतस मुंबई से हैं, लीसा अमेरिका से हैं। अभी है, अभी आए, खाली आधा घंटा रुको, फिर इनका मुंह से भी अड़ी पा बुरा निकला, तो मेरा नाम बदल देना ब्रो, इधर सब पंजाबी हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद में बोल रहे हैं। अच्छा, ये लोग अपने गुड न्यूज की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या गाने के लिए? हाँ ब्रो, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होते है। कैसे? There has to be a tit for tat. Like, मैं क्या बोल रहे है, अगर आप ये शो में अपने गाने प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने गाने में हमारा शो को प्रमोट करो। नहीं, ऐसे होने पड़ेंगे,
नहीं ब्रो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आए कि ये तो हमारा शो में ऐसा दिख जाएंगे, पर हम लोग किधर दिखाई देंगे? अबे हम भी इसी शो में दिखेंगे ना? नहीं नहीं, ये वाला शो के अंदर तो ये लोग हैं, तो सब लोग ये लोग को देखेंगे ना? हाँ, हमको तो रोज देखते हैं ना लोग। नहीं, हम लोग हफ्ते में खाली दो दिन देखते हैं ब्रो। तो रिपीट तो रोज होता है ना? हाँ, लेकिन एक चीज बार बार रिपीट क्यों होता है ब्रो? भाग भाग भाग। ब्रो, ये सब तुम्हारा वजह से हो रहा है। तुम खाली हफ्ते में दो दिन क्यों काम करता है यार? रोज काम करो ना। नहीं, मैं खाली बोल रही है कि आज हम हमारा 100th एपिसोड के जगह 365th एपिसोड भी सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये आदमी खाली दो दिन काम करेंगे, पूरा हफ्ता काम नहीं करेंगे। Why this आलस्य in जीवन ब्रो? क्यों? अबे बाकी के दिन वो शो की तैयारी करनी होती है ना? ये तो बाना है ब्रो। ये बाना है। बाना है नहीं है, गुड न्यूज में इनका गाना है, उसकी बात करो ना कुछ। न्यूज में गाने हैं? हाँ। मैं आई कैन सी के देश बदल रहा है। पहले न्यूज में न्यूज आते थे, अभी न्यूज में गाने आ रहे हैं। ओके, पर ऐसा होते रहते हैं यार, इधर भी पहले सिद्धु जी आते थे, अभी कोई और ही आ रहे हैं। ऐसे चलते हैं। अच्छा, तो क्यों अर्चना जी के पीछे पड़ा रहता है? ऐसा ही यार, आई लाइक हर, शी इज प्रीटी। Huh? Yeah, you're pretty, yeah. Thank you. इतने अच्छे-अच्छे सिंगर्स आए हैं देख, असीस, ये इनसे बात कर, कोई और बात कर तू अर्चना जी के पीछे। मैं बात करेगी ना असीस जी, मैं आप लोगों से बात करेंगे, तो आपके ये है गाने चंडीगढ़ में, वो गाने मुंबई कभी आ रहे हैं? अबे गाने के बोल चंडीगढ़ में है ऐसा? अच्छा, तो म्यूजिक मुंबई आ गए है, अभी बोल चंडीगढ़ में है। पूरा गाना ही चंडीगढ़ में, देख ब्रो, वो हर जगह आ सकता है गाना, गाने के बोल ऐसे। ओके ओके, शायद मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से नए है ना, इधर ऐसे होते रहते हैं। इधर अगर आप चंडीगढ़, अमृतसर, बेसिकली अगर आप पंजाब से नए है ना, तो बहुत बातें आपको समझ में नहीं आती है। इधर होते हैं, मैं आपको ये आदमी के बारे में बताते हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा टाइम पहले ये आदमी दो अपना दोस्त लोग को लेके आया और इधर कुछ प्रमोशन कर दिया, जबकि उधर उनका कोई फिल्म भी नहीं आ रहे थे। फिर फिल्म इंडस्ट्री को मजबूरन वो दो लोग को लेके फिल्म बनाने पड़े, क्योंकि प्रमोशन हो गए थे। ये प्रमोशन में इतना धांधली कर रहे ब्रो, क्या चालू कुछ भी बोल रहा है तू? अच्छा बोलो, क्या सोचेंगे तेरे बारे में? मेरे बारे में अच्छा सोचेगी यार, मैं भी उनके बारे में अच्छे सोचते, क्यों बुरा सोचेगी? वैसे इतना सारा सिंगर्स को एक साथ मैं उसके बाद देखे है, क्या बोलते हैं ब्रो, वो क्या होता है जब किधर ऐसा सूखा पड़ा होता है और ऐसा हम लोग ऐसा बादल को देख के क्या बोलते हैं? बरसो। हाँ, बरसो बाद में इतना सारा सिंगर्स को साथ में देखे है। वैसे मेरे को बरसात से याद आए, बरसात में हमेशा बोलते हैं ना कि बरसात में बांदा बूंदी हो रहा है, बूंदा बांदी हो रहा है। हाँ। पर कैसे पता चलता है कि कौन सा वाला बूंदा है, कौन सा वाला बांदी है? जो गिरता है वो बूंदा है, जो गिरती है बूंदी। ब्रो, मैं नोट करेगी। अच्छा, वाओ, इतना अच्छा लगा तुम्हें? नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं सोनी साहब को जाके बताएगा कि इंटरव्यू वाला जो लड़का रखे वो कितना बकवास नॉनसेंस करते हैं। तनिष जी, आपसे एक बात बोल रहे थे, आप अपना कुछ चेन अगर पहने मेरे को दो ना। क्यों? मेरा गर्लफ्रेंड मुझे बोले कि तनिष से चेन लेके आओ। मेरे को आपका नाम बहुत पसंद है, तनिष बागचे। एक बात बताइए, आप अभी मुंबई में रहते हैं, तो अब ये मुंबई आपके लिए आमची मुंबई है कि बागची मुंबई है? एक्चुअली बागची मुंबई इज बेटर। ये आप जस्ट कह रहे हैं। वाह लीसा, आप बाहरगांव से हैं? ओ, बाहरगांव से। बाहरगांव से हैं? हाँ। मैं भी बाहरगांव से हैं। मैं लंदन, मैं लंदन से हैं। ओह, ओह, वेरी कूल, बट देखिए कितना कूल बात है कि आप भी कोई गोरा के गांव से हैं, मैं भी कोई गोरा के गांव से हैं, और हम लोग मिलते किधर हैं? गोरा गांव में। ऑलराइट, डीजे चेतास, आप डीजे हैं, मैं पीजे है, मैं बहुत पीजे मारते रहते हैं। कल मैं सच बोल रहे, कल तो मैं इतने ज्यादा पीछे मार दिए कि मेरे जीजे मेरे पीछे सुन के मुझे ही मार दिए। ये हार्डी सांदो, ये हार्डी जी, मैं अपना ये शो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। पर मेरे को एक बात बताओ,
आप काफी क्यूट है तो फिर आपका संधु इतना हार्डी क्यों है? अच्छा यार क्या बात है, तुझे एक बात कहना चाहता हूँ आज दिल से, दबा जा यहाँ से। ये जो तरीका से तुम मेरे से बात किया है ना, आज मेरे को बहुत वो लगा है। क्या वो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका। हाँ मेरे को बहुत ढाका लगा है यार। कोई तरीका नहीं बात करने का ब्रो, ऐसे नहीं होते है। एक मिनट रुको, किधर है सर? ये मैं आपको देने चाह रहे थे। ये क्यों दे रहा है, ये क्या दे रहा है? ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा लो। अबे वो बादशाह का गाना है। तो बादशाह का गाना है तो क्या बुगलों से बजवाऊं? ब्रो अपना मुंह से वो बोला डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, मैं डीजे वाले बाबू को दिया गाना। तुम्हारा इतना आपत्ति क्यों निकलता है यार बार बार? ओ ब्रो मेरा फोन आये। ओ गॉड ब्रो मैं बहुत फेमस आदमी, यू नो पिटबुल, पिटबुल मेरे को फोन किए, मैं बात कर ले इफ यू डोंट माइंड। या हेलो, या या पिटबुल, या बोलो। देखो तुम ना कभी भी बुल का पिट पे मत बैठो, वरना बुल तुमको पिट पिट के तुम्हारा बुल रेड कर देगा। अभी मैं तुमको एक बात बोल रहा है, वो ध्यान से सुनो और मेरा बात बोलना मत, ओके? अपना कॉन्सर्ट में कभी किसी को अपना पिट मत दिखाना। चलो मैं फोन काट रहा है। मैं अभी क्या, मेरे को और बहुत काम है, मेरे को जाने पड़ेगी, मेरे को जाके अभी अपना क्या जूता घिसने के है। क्यों? क्या एक बहुत बड़ा आदमी मेरे को बोले कि लाइफ में अगर बड़ा बनने है तो जूते घिसवाने पड़ेंगे। तो मैं जब भी एक जूता घिस के आए अभी जाके दूसरा जूता घिसेंगे। ऑलराइट आई गॉट टू गो नाउ, ऑलराइट मैं चलते हैं ब्रो, थैंक यू, ओके, थैंक यू ब्रो, आई सी यू, या चलते हैं, या ब्रो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।